हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समथिंग फूडी चैनल। माय नेम इज पूजा। आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने वाले हैं चावल के आटे की रोटी। बहुत लोग इसे चावल की भाकरी भी बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं इसे लगने वाली चीजों की तरफ। एक कटोरी चावल का आटा, एक टेबलस्पून ऑयल, एक टेबलस्पून नमक। सबसे पहले हम एक बर्तन में आधा ग्लास पानी लेंगे और इसे अच्छे से उबाल लेंगे। पानी को अच्छे से उबलने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम कम करने के बाद हम इसमें एक कटोरी चावल का आटा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए स्टीम करने के लिए रख देंगे। 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से स्टीम करने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसकी बाद की प्रोसेस हमें थोड़ी फास्ट करनी है। ये मिक्सचर गर्म रहते ही हमें इसका एक डो बना लेना है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे और 1 मिनट तक इसे अच्छे से भून लेंगे। इसे अच्छे से भूनने के बाद हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स लेके रोटियां बेल लेंगे। रोटी अच्छे से बेलने के बाद हम इसे दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे ताकि हमारी रोटी दोनों साइड से अच्छे से पक जाए। अब हम इसे गैस के फ्लेम पे अच्छे से फुला लेंगे। आप देख सकते हो ये कितनी अच्छे से फूल गई है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे ताकि ये रोटी खाने में और ज्यादा स्वादिष्ट लगे। ऐसी टेस्टी रेसिपीज के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ये लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।